हेलो गाइस, मैं प्रियंका, आपका मेरे किचन में स्वागत है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम तिल से बर्फी बनाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने तिल ले रखा है। सर्दियों में तिल खाना बहुत ही जरूरी है। अब तिल को हम भूनेंगे। तिल के लड्डू, तिल के पेड़े, बर्फी जो बना सकते हैं आप बना के। सर्दियों में इसे खाया जाता है, गर्मी के सीजन में आदमी नहीं खाता है क्योंकि बहुत ही ये गर्म होता है, शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसलिए इसे ठंडी में ही ज्यादातर यूज किया जाता है। अब देखिए, इसे हम भून लेंगे। ऐसे ही चलाते हुए हमें अच्छे से भूनना है। देखिए, इसे 5 मिनट हमें भूनते हुए हो गया है, हमें छोड़ना नहीं, हमने लगातार इसे चलाते हुए भूना है। आप देख सकते हैं ये कैसे फूले फूले ये दिख रहे हैं। देखिए, अभी अच्छे से हुए नहीं, तो ये जब अच्छे से भून जाता है तो अंदाजा हम लोग ऐसे लगाते हैं, हाथ में लेते हैं, ऐसे मसलते हैं। ये मसल मतलब देखिए, तो ऐसे हम लोग मसलते हैं तो पता चल जाता है कि हमारा तिल भून चुका है। 5 मिनट हो गया, अभी हमारा तिल भुना नहीं है। ऐसे ही हम चलाते हुए से अच्छे से अपने तिल को भून के तैयार करेंगे। देखिए, 12 मिनट हो गया है, हमारा तिल भून चुका है। इसे हम आपको दिखाते हैं। देखिए, ऐसे ही होना चाहिए, हमें अंदाजा लग जाता है कि हमारा तिल अच्छे से भुन चुका है। कलर देखिए आप, कलर कैसे इसका दिख रहा है, कलर ऐसे ही होना चाहिए। और देखिए, ये डबल हो गया है, मतलब साइज छोटा था लेकिन ये फूल के डबल हो गया। ऐसे ही होना चाहिए। बस तिल हमारा भून के तैयार हो गया है। 12 मिनट लगा है, हमने तेज मतलब चूल्हे को तेज करके नहीं भुना, स्लो पे ही करके इसे, मीडियम पे ही भुना जाता है तिल को। नहीं तेज करेंगे तो ऊपर से मतलब जल जाएगा और अंदर कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें इन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है इसे भूनते समय कि अच्छे से ये भुन जाए, तिल जले भी ना, कच्चा भी ना रहे। देखिए, हमने इसे ऐसे ही लगातार चलाते हुए हमने इसे भून के तैयार किया है। ये भुन चुका है, अब इसे हम ठंडा होने के लिए हम इसे परात में रख दे रहे हैं कि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। देखिए, हमने ये परात ले ली, अब इसमें हम निकाल देते हैं इसको ठंडा होने के लिए। देखिए, हमने थोड़ी सी मूंगफली ले ली है। मूंगफली डाल देने से तिल का जो स्वाद होता है बहुत अच्छा लगता है, मतलब बढ़ जाता है, इसलिए हमने ये थोड़ी सी हमने मूंगफली ले रखी है। इसे हम भून रहे हैं, तिल हमारा ठंडा हो गया है। देखिए, तिल जो हमारा है, हमने जो भून के लिया है वो ठंडा हो चुका है। अब इसे हम इसका हम पाउडर तैयार कर लेते हैं। मूंगफली हमारी जब तक भून रही है तब तक उसका हम पाउडर तैयार कर ले। ऐसे ही हम चलाते हुए अपनी मूंगफली को भी भून के तैयार करेंगे। छोड़ा नहीं, मतलब मूंगफली भूनते समय उसे छोड़ना नहीं तो क्या होता है, साइड में मतलब वो जल जाएगा और दूसरे साइड कच्चा अच्छे से मतलब भुना नहीं पाएगा, खुशबू मतलब इसकी खराब हो जाएगी, इसलिए हमें इसे चलाते हुए अच्छे से अपनी मूंगफली को भून के तैयार करना है। इसका छिलका हमें उतार लेना है, इसलिए हमें अच्छे से इसे चलाते हुए हम भूनेंगे, तभी इसका छिलका उतर पाएगा। देखिए, ऐसे ही चलाते हुए इसे हमें इसको हमें भून के तैयार कर लेना मूंगफली को। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। ऐसे देखिए, अभी थोड़ा कच्चा है, थोड़ा सा और भूनेंगे इसे हम। ऐसे ही लगातार चलाते हुए देखिए, मैं 5 मिनट हो गए इसे भूनते हुए। देखिए, मूंगफली हमारी भून चुकी है। अब हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। देखिए, हमने उसे मिक्सर जार में डाल दिया है तिल को। अब हम अपनी मूंगफली को भी इसमें डाल दिए, मूंगफली भी ठंडा हो जाएगी, साथ में हम दोनों का पाउडर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने एक बड़ा गुड़ ले रखा है, अब इसमें हमने हल्का सा पानी डाला है, आधे कप से भी कम हमने पानी डाला इसमें। ये गुड़ गलने लगा है इसलिए पानी इतना दिख रहा है, ज्यादा पानी नहीं डाला है। ज्यादा पानी डाल देने से ये होता है कि अधिक देर तक हमें इसे मतलब गाढ़ा करना पड़ जाता है, अच्छे से बन भी नहीं पाता है, इसलिए कम मतलब जरूरत के अनुसार थोड़ा सा ही पानी डालें। अब इसे देखिए, हमें ऐसे ही घुमाते हुए अच्छे से जो बड़े टुकड़े हैं गुड़ के वो गल जाए अच्छे से। देखिए, ऐसे ही चलाते हुए इसे हमें गाढ़ा कर लेना है। जब तक ये
गुड़ गल रहे हैं, गाढ़ा हो रहा है, तब तक हम अपनी मूंगफली का छिलका साफ कर लेते हैं। देखिए गुड़ हमारे कैसे इसमें गल गए हैं, हल्के हल्के से बचे हैं। देखिए हमने ये तिल जो है हमने इसका पाउडर तैयार कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं अपने बर्तन में। देख सकते हैं आप चाशनी हमारी जो है, मतलब ये गुड़ की तैयार हो गई है। अब इस समय हम डालेंगे, देखिए हमने मूंगफली को अभी पाउडर तैयार कर लिया है, बना के दिखाते हैं हम आपको। देखिए ये हमारी मूंगफली का पाउडर है, अब इसे भी हम डाल देंगे इसमें। देखिए अब इसे हम अच्छे से निकाल लेते हैं इसमें से। अब हमने जो ये तिल का पाउडर तैयार किया है मतलब पीस के, अब इसे भी हम डाल देते हैं। इन दोनों को डाल के अच्छे से मिला के तैयार करेंगे। देखिए ऐसे ही इसे हमें चलाते हुए इसे सूखा कर लेना है, अच्छे से इसे हमें मिला देना है। अधिक समय नहीं लगेगा, ऐसे बनाने से बहुत झटपट आसानी से बन भी जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती है और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट लगता है। देखिए इसे अच्छे से हमें मिला के इसे सूखा करना है। देखिए इसे 2 मिनट हो गया है, हमने ज्यादा पानी नहीं डाला था गुड़ में, इसलिए ये जल्दी से देखिए ये तेल छोड़ने लगा है। घी और घी का रहा है सॉरी, इसमें मूंगफली और तेल दोनों में तेल होता है, इसलिए देखिए ये कैसे छोड़ना स्टार्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें सूखा करना है। देखिए ऐसे ही चलाते हुए इसे हम अच्छे से सूखा कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये कैसे दिख रहे हैं। बहुत जल्दी 10 मिनट में तैयार हो जाती है ये हमारी मिठाई, बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है और बहुत फायदा भी करता है ठंडी में, मतलब सर्दियों में इसे जरूर खाएं, सर्दी के सीजन में ही इसे ज्यादातर खाया जाता है। देखिए इसे ऐसे ही चलाते हुए हमें सूखा करके इसे तैयार करना है। देखिए ये अब ये तैयार हो गया है, कितने अच्छे से छोड़ना स्टार्ट हो गया है। देखिए कढ़ाई हमारी छोड़ने लगी है, आप देख सकते हैं कहीं लग रहा है ये चिपका हुआ है, कितने अच्छे से छोड़ना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा और इसे हम सूखा कर लेंगे कि हमें मिठाई बनाना है इसका, तो हमें कोई दिक्कत ना हो। देखिए ऐसे ही इसे हम करके सूखा कर लेंगे चलाते हुए। देखिए तैयार हो गया, हम चूल्हे को बंद कर देते हैं। अब इसे हम सेट करने के लिए ट्रे में रखेंगे। देखिए इसे हम ट्रे में निकाल लेते हैं, इसे गर्म ही हमें रखना है, नहीं तो ये ठंडा हो जाएंगे तो अच्छे से बन नहीं पाएंगे। अब इसे हम ट्रे में निकाल लेते हैं, ट्रे में निकाल के अच्छे से इसे हम सेट करेंगे। देखिए कितने अच्छे से ये तिल है जो तेल छोड़ना स्टार्ट कर दिया है और मूंगफली भी। अब इसे अच्छे से हमें ऐसे ही दबाते हुए इसे हमें सेट कर लेना है। देखिए ऐसे ही करते हुए अच्छे से बराबर करना है इसे हमें, नहीं तो थोड़ा भी अगर ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से ये सेट नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम इसे अपने बड़े बड़े चम्मच से, देखिए इसे हम इसका साइज दे देते हैं, काट लेते हैं, अभी थोड़ा गर्म है तो अच्छे से ये कट पाएगा, आप देख सकते हैं। ऐसे ही हमें इसका पीस तैयार कर लेना है, अपनी जो मिठाई है हमारे नए तरह की हमने ये मिठाई बनाई है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बनके तैयार हुई है। अब इसे इस साइड से भी हम इसे ऐसे ही काट लेना, ठंडा हो जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, गर्म पे ही इसे हम निशान लगा देते हैं। देखिए इसे हमने काट के तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं, हम पास से आपको दिखाते हैं कितनी अच्छी हमारी जो बर्फी है बनके तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा
शेयर करें। चलिए इसे हम साइड में हटा हटा के आपको दिखा देते हैं। देखिए हम अपनी बर्फी को आपको तोड़ के दिखाते हैं। देखिए कितनी अच्छी बर्फी हमारी बनके तैयार हुई है। अगर आपको रेसिपी समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।